नमस्कार दोस्तों, टेकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिश। तो दोस्तों, इस हफ्ते की हॉट न्यूज़ है कि कल 27 तारीख को शाओमी यानी एमआई का चाइना में लॉन्च इवेंट है। तो मुझे पता चला है तब तक शाओमी मी 5S को लॉन्च करने जा रही है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे रूमर्स आ रहे हैं कि MI 5S में ऐसा होगा वैसा होगा। तो दोस्तों, मैंने कुछ चुनिंदा वेबसाइट्स के लिक्विड रिपोर्ट्स मैंने पता किए हैं MI 5S की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो MI 5S की आप देख सकते हैं फोटोज़, मैंने यहाँ वीडियो में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि MI 5S शाओमी का फ्लैगशिप फ़ोन होगा, यानी सबसे अच्छे फीचर्स वाला अब तक का शाओमी का फ़ोन होगा। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा कि इस फोन में क्या क्या फीचर्स है हो सकते हैं। तो फोन 5.15 इंच की क्वाड HD OLED स्क्रीन के साथ आएगा, नॉट IPS LCD, जो काफ़ी सारी वेबसाइट दिखा रही है कि IPS LCD के साथ आएगा। पर अब शाओमी अब IPS LCD स्क्रीन का कोई फ़ोन नहीं बनाएगी, OLED स्क्रीन के साथ ही आएगा, जिसका रेजोल्यूशन होगा 1.40x2560 पिक्सल के साथ, जिसकी PPI यानी पिक्सल पर इंच होगी 570 यानी 570 PPI के साथ आएगा। फोन सिरामिक बॉडी के साथ आएगा, सिरामिक बॉडी यानी आपने फुल मेटल बॉडी सुनी होगी, पर अब तक सिरामिक बॉडी के बारे में सुना नहीं होगा। आपने ऐसा फ़ोन देखा होगा सिरामिक बॉडी वाला। तो सिरामिक बॉडी यानी ग्लास और मेटल का जो कॉम्बिनेशन आता है उसे सिरामिक कहते हैं। यानी MI 5 में जो बॉडी थी वही MI 5S में आई, जो 2.5D जो बॉडी थी और पीछे जो ग्लास और मेटल का जो कॉम्बिनेशन था MI 5 में, वैसे ही बॉडी आ जब बॉडी आएगी और फ़ोन पे गोरिल्ला ग्लास 4 की परत चढ़ाई जाएगी, यानी आपका फ़ोन इतना मजबूत होगा कहाँ कहीं से भी गिरा हो टूटेगा नहीं। फ़ोन का फ्रंट कैमरा माना जाता है, फ़ोन का रियर कैमरा माना जाता है कि 12MP के ड्यूअल लेंस होगे और आगे का कैमरा 8 म्यू मेगापिक्सल यानी बहुत अच्छी कैमरा क्वालिटी होगी। यानी ये फ़ोन सेल्फी भी फ़ोन हो सकता है, यानी सभी सेल्फी फ़ोनों को भी पछाड़ देगा। एंड 8MP का म्यू मेगापिक्सल कैमरा यानी बहुत अच्छा है, हो सकता है। मैं ये बात सही नहीं है, पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसा हो सकता है, जिससे अच्छी नई बहुत अच्छी सेल्फी आ सकती है। फ़ोन की बॉडी कवर्ड होगी या नहीं, उस पर अभी सस्पेंस, कंपनी ने कोई रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है MI 5S के बारे में कि फ़ोन की बॉडी कवर्ड होगी या सिंपल होगी, उस पर कंपनी ने अभी तक सस्पेंस बनाया हुआ है। किसी भी वेबसाइट पर उन्होंने ये रिपोर्ट बयान नहीं की, पर मेरा मानना है कि शाओमी इस फ़ोन को हो सकता है दो वेरिएंट में लॉन्च को करे, जैसे सैमसंग ने लॉन्च किया था S7 और S7 Edge। तो S7 की बॉडी कैसी थी, यानी नॉर्मल फ़ोन की तरह सिंपल, उसमें कोई कवर्ड ग्लास नहीं था, और S7 Edge की कवर्ड बॉडी थी। यानी ऐसे MI 5S और MI 5S Pro ऐसे दो वर्जन में फ़ोन आ सकता है, जो एक कवर्ड बॉडी वाला होगा और नॉन कवर्ड, यानी ऐसा निकालना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग नॉन कवर्ड बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं रह सकते। यानी शाओमी को मैं अपनी राय देना चाहता हूँ कि ऐसे दो वेरिएंट में लॉन्च करें, क्योंकि सबको सबके लिए बन सके फ़ोन। काफ़ी लोगों को नॉन कवर्ड बॉडी वाला फ़ोन पसंद नहीं आता, और काफ़ी लोगों का नॉन कवर्ड बॉडी वो कंपनी बनाती है तो बजट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसा मैं मानता हूँ कि कंपनी ऐसा दो वेरिएंट में लॉन्च करे। बात करते हैं बैटरी, तो मेरा मानना है कि बैटरी 3600 mAh की आसपास होगी, जो क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 के को सपोर्ट करेगी। फ़ोन में टाइप सी पोर्ट होगा। टाइप सी तो अभी कॉमन बात हो रही है कि अब नए भी हर एक 2016 के जून के बाद जो भी फ़ोन लॉन्च होते हैं उसमें सब में टाइप सी पोर्ट होता है। अभी तो 10,000 के बजट में भी टाइप सी पोर्ट आता है। मेन बात जो फ़ोन में सबसे नया फीचर है, जो अभी नया कुछ लीक रिपोर्ट हुई है कि फ़ोन में अंडर ग्लास फिंगरप्रिंट सेंसर आने वाला है, जो अब तक
किसी भी फोन में नहीं आया, ना iOS फोन पे, आईफोन पे, ना कोई भी एंड्रॉयड फोन पे अभी तक ये फीचर नहीं आया। और ये फीचर जो आया तो फोन बहुत रिकॉर्ड तोड़ देगा। आप सोच रहे होंगे कि अंडर ग्लास फिंगरप्रिंट सेंसर क्या है, तो उसके बारे में मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि अलग से मैं वीडियो बना के विस्तार से आपको समझाऊंगा कि अंडर ग्लास फिंगरप्रिंट सेंसर क्या है। फोन में एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो अभी तक किसी भी एंड्रॉयड फोन में नहीं आई, iOS में, आईफोन में आ चुकी है। आपने नाम सुना होगा, 3D टच टेक्नोलॉजी, 3D टच टेक्नोलॉजी। तो ये 3D टच टेक्नोलॉजी क्या है, तो उसका भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। तो हम बात है OS की, तो फोन में MIUI 8 वर्जन, वो MIUI वर्जन 8 के साथ आएगा, जो एंड्रॉयड वर्जन 6.0 मार्शमेलो पे बेस्ड होगा। इस फोन में अभी 6.0 मार्शमेलो आएगा, पर मेरा मानना है कि जब भी MI नोगट को अराइव करेगी तो इस फोन में जल्दी आ जाएगा नोगट 7.0। तो फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, और फिर गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, इंफ्रारेड, एक्सेलेरोमीटर, NFC, कंपास और बैरोमीटर। बैरोमीटर अभी किसी फोन में नहीं आता, ये शोमी के भी कोई भी पहला फोन है जिसमें बैरोमीटर का सेंसर दिया गया है, जिससे आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। आप कहीं भी खड़े हो, आपके घर पे खड़े हो, धूप में खड़े हो जाए या घर में खड़े हो जाए, तो घर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो बंदूक का होता है वो आप मेजर करते हो। बाहर धूप में खड़े हो तो आप पता करना चाहते हो कि क्या टेम्परेचर है मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का। इसके लिए बैरोमीटर सेंसर बहुत उपयोग में आएगा। तो फोन अलग अलग वेरिएंट में आएगा, वो कंफर्म, वो 100% कंफर्म है। जो वेरिएंट होगी 4 GB प्लस 64 GB, यानी 4 GB RAM और 64 GB ROM के साथ आएगा, और उसकी प्राइस होगी 19,000 रुपये। दूसरा है 6 GB RAM और 128 GB ROM के साथ आएगा, उसकी प्राइस है 25, यानी 25,000 रुपये। और तीसरा वेरिएंट है 6 GB RAM और 256 GB ROM, जिसकी प्राइस 32 से 33 हज़ार के आसपास होगी। और सभी में एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन दिया गया है, पर वो डेडिकेटेड यानी हाइब्रिड स्लॉट, यानी दो सिम कार्ड यूज़ करते कर सकते हो या एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो, ऐसा होगा। उस तीनों वेरिएंट की एक्सपेंडेबल मेमोरी होगी 256 GB तक एक्सपेंडेबल होगी। तो दोस्तों ये थी एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन MI5S की। तो जब ये फ़ोन कल लॉन्च होगा तब मैं इसकी एक्चुअल स्पेसिफिकेशन पे वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।